और गिरफ्तार कर लिया, वो एक तरीका होता है गिरफ्तार। उन्होंने जो वो कहना चाह रहे थे कि साइंटिफिक तरीके से कि वो असली में शिवलिंग है या नहीं, सिर्फ उनका यही तो कहना था ना कि वो जो पत्थर ऊपर से हटा हुआ है वो क्यों हटा है और किसने हटाया है और कब हटाया है। अगर वो मुस्लिम ने हटाया है तो क्या उन्होंने खतना किया? को मानते या संविधान को मानते तो आज इतनी नौबत नहीं आते, क्योंकि आज दलित व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना काबिल हो गया है कि वह गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है, और ये सवाल उठाना ही उनको वाजिब नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले दलित गरीब गुलाम बनता आया था उसी तरीके से गुलामी कॉरिडोर बनाया था विश्वनाथ बाबा का मोदी प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो 300 मंदिर टूटे थे हमारे। तो आपने उस टाइम आपकी कोई भावना आहत नहीं हुई उन मंदिरों में कोई शिवलिंग के लिए? आज्ञा है कि वो उससे पैसा छीन ले किसी भी तरह से, ये अच्छी तरह से खाना पीना नहीं। टीचर डरेगा ही नहीं, अब तो दलित टीचर के लिए एक चिंगारी है जब डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल जी, जो इस तरह के एक महान नेता है जिसके दिमाग में ये इस नाम की चीज ही नहीं होती है कि ये जनरल कैटेगरी का या एससी कैटेगरी का है, उनके साथ जब ऐसा व्यवहार किया जाता है तो शेड्यूल कास्ट के लिए एक चिंगारी है। अब आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। जय भीम साथियों, मैं ब्रजमोहन इस वक्त हूँ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। यहाँ पर जो कल डॉक्टर रतनलाल जो प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की, उनकी कल जिस प्रकार से दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तारी की गई है, उसी के चलते उनके समर्थन में आज तमाम छात्र और सोशल एक्टिविस्ट यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट फैकल्टी पर एकत्रित हुए हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से देश में लगातार बहुजनों शोषित वंचितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और इसीलिए शायद गैर संवैधानिक तरीके से इन तमाम सोशल एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी कराई जा रही है। आप देख सकते हैं भीड़ किस प्रकार से इकट्ठी हुई है, तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? कमलेश जी। जी कमलेश जी, तो क्यों आए हुए आप, क्या मतलब मामला है? रतनलाल जी की रिहाई के लिए आए हैं, उनकी सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जो कुछ पुलिस ने करा है उनको गिरफ्तार, पहले FIR की है, FIR करने के बाद उनको कोई बोलने का चांस नहीं दिया है। उनसे पूछते, बात करते, उनसे चर्चा करते, कहाँ पे गलत है कहाँ पे, ऐसे थोड़ी किसी को गिरफ्तार कर लोगे आप, रात को आए और गिरफ्तार कर लिया, वो एक तरीका होता है गिरफ्तार। उन्होंने जो वो कहना चाह रहे थे कि साइंटिफिक तरीके से कि वो असली में शिवलिंग है या नहीं, सिर्फ उनका यही तो कहना था ना कि वो जो पत्थर ऊपर से हटा हुआ है वो क्यों हटा है और किसने हटाया है और कब हटाया है। अगर वो मुस्लिम ने हटाया है तो क्या उन्होंने खतना किया है? एक बात यही तो की थी, तो उसमें इतना बुरा लगने की क्या बात है कि शिवलिंग का ये हो गया? क्यों शिवलिंग को तो रोज आना, जो मोदी का कॉरिडोर बनाया था विश्वनाथ बाबा का मोदी प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो 300 मंदिर टूटे थे हमारे। तो आपने उस टाइम आपकी कोई भावना आहत नहीं हुई उन मंदिरों में कोई शिवलिंग नहीं था? वो भी तो मंदिर थे ना, वो भी शिव बाबा के ही होंगे। जिस प्रकार से देश में माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? ये आपस में हमारे लोगों की फूट, मुस्लिम के लिए फूट, हमारे मंदिर के लिए लोगों को आगे कर रहे हैं, और जो बोल रहा है उसके खिलाफ तो उनको जेल में डाल रहे हैं। उसका क्या है कि आपस में फूट डलेगी, 2024 का रास्ता बनेगा। डीजल पेट्रोल की जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर है, LPG सिलेंडर, उस पर कीमत बढ़ाई जा रही है, क्या इस सब पे पर्दा डालने के लिए षड्यंत्र? ये सब इसीलिए है जिससे कि आम आदमी का दिमाग बट जाए। वो चाहते हैं कि हमारा दिमाग बढ़ जाए और मंदिर मस्जिद में लग जाए। इनकी नाकामी है ये, लोग भुखमरी में कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी में मर रहे हैं, तो इसलिए इनको। थैंक यू। और भी हमारे साथ हैं मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पा। डॉक्टर साहब, मतलब क्या है जो देश में माहौल बनाया जा रहा है उसके पीछे क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र लग रहा है? साजिश सिंपल और साफ दिखाई ये दे रही है हम लोगों को, क्योंकि मैं एक शेड्यूल कास्ट टीचर हूँ, और शेड्यूल कास्ट को किस तरह से, स्पेशल शेड्यूल कास्ट टीचर को किस तरह से दबाया जाए और इनका उत्थान ना किया जाए। अभी मंचों से, बड़ी बड़ी मंचों से तो ये भाषण आते हैं कि अब तो देश में जातवाद खत्म हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है, ये चीज सारी दिखावे के लिए। जब वोटिंग होता है तब इनको ये सारे सेंटेंस बोलने आते हैं, वोट खत्म, सेंटेंस खत्म। अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले 14
अप्रैल था, 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर का बर्थडे था। उस दिन जितने भी हमारी पार्टियां थी वो सारे डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो एनीवन कोई भी सरकार हो। आप जब उनका एम खत्म हो गया, अब उसी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उनके ऊपर कोई रिहाई नहीं होती है, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है, ये क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे ये लगता है कि मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की लड़की जरूर हूँ, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक नाम की कोई चीज़ चली नहीं रही है। बाबा साहब को जो तमाम पार्टियां मानती हैं, दिखावा करती हैं, प्रचार प्रसार करती हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई, बाबा साहब को कितना मानते हैं तमाम लोग? यहाँ पर देखो, डॉक्टर अंबेडकर के जो फॉलोअर हैं, यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं दिल्ली, अब जैसे आप प्रोफेसर रतनलाल जी को ले लीजिए, ये कट्टर हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, ठीक है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है, और बताया भी नहीं और इनको गिरफ्तार कर लिया। कल तो ये मान के चलो बाबा साहब या तथागत बुद्ध पे भी क्लेम करेंगे कि इनके इनकी वजह से देश में, मतलब डॉक्टर रतनलाल जी पर आरोप लगाया था कि मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहले यही कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं किसी भी कर्म पाखंड को नहीं मानूंगा। तो जब बाबा साहब की बातों को अगर ये मानेंगे तो फिर क्या होगा मैडम? आप इन्होंने ना, मेरा नाम पुष्पा विवेक है, मैं सोशल वर्कर हूँ और राइटर हूँ, लेखिका हूँ और आंदोलनकारी भी हूँ। ये लोग अगर मानते, बाबा साहब को मानते या संविधान को मानते, तो आज इतने नौबत नहीं आते, क्योंकि आज दलित व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना काबिल हो गया है कि वह गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, और ये सवाल उठाना ही उनको वाजिब नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले दलित गरीब गुलाम बनता आया था, उसी तरीके से गुलामी में रहे, क्योंकि आज हमारा संविधान खतरे में है। सर, आपका क्या नाम है, आपसे जानना चाहेंगे? मेरा नाम आरसी विवेक है, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयर इंडिया, ये इंजीनियर। जी जी, इंजीनियर साहब, तो क्या कहना चाहोगे कि इनका मकसद ये है कि जैसे जब मनुस्मृति चलती थी देश में, मनुस्मृति का राज लागू था, तो दलितों को, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था, उनके खिलाफ अगर कोई अपराध करता था तो उन्हें सजा देने का प्रावधान नहीं था, उनकी बहू बेटियों के साथ जितना अन्याय अत्याचार हो रहा था उस टाइम पे, मनुस्मृति के टाइम पर, तो क्या ऐसा ही माहौल देश में द्वारा लाने की कोशिश की जा रही है संकीर्ण विचारधारा के लोगों द्वारा? जिस प्रकार से आज हमारा देश का संविधान है और संविधान के मुताबिक हम चलते हैं, उसी प्रकार से उस वक्त मनुस्मृति का संविधान था, और मनुस्मृति संविधान में दलितों को पढ़ने का, लिखने का अधिकार और हथियार रखने का, अच्छी जगह रहने का, खाने पीने का कोई भी प्रावधान नहीं था। और अगर दलितों के पास पैसा है तो ब्राह्मणों के लिए आदत है, वो का नाम आज्ञा है कि वो उससे पैसा छीन ले, किसी भी तरह से ये अच्छी तरह से खाना पीना नहीं चाहिए। क्या एक सवाल और करूँगा, क्या ये डॉक्टर रतनलाल जी पर मतलब जो कार्रवाई की गई है दलित एक्टिविस्टों को डराने के लिए ये किया गया है, और इससे दलित डर जाएंगे? ये जातिगत हमला है, ये एक तरह से जातिगत है, दलित टीचरों को डराने के लिए किया गया है, ताकि आगे जितने भी दमंग टीचर्स हैं या एक एजुकेटेड टीचर्स हैं उनको आगे न बढ़ने दिया जाए। टीचर होने के नाते आपको क्या महसूस हो रहा है, डर जाना चाहिए घर में बैठे? नहीं, अब तो दलित टीचर डरेगा ही नहीं, अब तो दलित टीचर के लिए एक चिंगारी है जब डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी, जो इस तरह के एक महान नेता हैं, जिसके दिमाग में ये इस नाम की चीज ही नहीं होती है कि ये जनरल कैटेगरी का या एससी कैटेगरी का है, उनके साथ जब ऐसा व्यवहार किया जाता है तो शेड्यूल कास्ट के लिए एक चिंगारी है। अब आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। जी, तो आप देख सकते हैं तमाम तरह से जो सोशल एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट, बहुजन लेखक, विचारक दलित दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकत्रित हुए हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश है, और वो कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि ये केवल दलित एक्टिविस्ट को डराने के लिए एक नाकाम कामयाबी डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी पर की गई है, इससे दलित समाज डरने वाला नहीं है और मजबूती के साथ आगे खड़ा होगा। आप इन वीडियो पर क्या विचार रखते हैं, डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी पर क्या सोचते हैं, उनके समर्थन में हैं या असमर्थन में हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार, जय भीम।